आजकल जो जमाना है लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अब पीछे जा रहे हैं। जैसे पुराना एक वक्त था लोग केव्स में रहते थे, मकान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और आज जो हमारे हालात बन रहे हैं बॉर्डर्स पे, जिस तरह हम जो हमारा अपना जो एनर्जीज वगैरह एक दूसरे को बर्बाद करने में हम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग बंकर तो हम बना लेंगे, जान आपने बचा ली, पर जो हमारे बच्चों की एजुकेशन का नुकसान होता है वो उसका कहा क्या हो सकता है, उसका कोई खिमियाजा कौन कर सकता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मुझे खुशी हुई, मैं कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मेरे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बेडरूम देख रही थी, तो उन्होंने कहा कितना ही अच्छा होता अगर हम मिलके, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलके गरीबी के खिलाफ लड़ते, डेवलपमेंट की बात करते, मुफलिसी के खिलाफ लड़ते। तो मेरा ये है कि हम सबको जो हमारा जो सेंस ऑफ हाउस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो बंकर तो इस वक्त हमारे जान के इलाके पड़े हैं, तो बेचारे उनको हम क्या बता सकते हैं इस वक्त, कि वो चाहते हैं कि कहीं से उनको जगह मिले सर छुपाने की। मुझे बहुत अफसोस भी होता है, शर्म भी आती है, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हम लोगों का सर जो है शर्म से झुक जाता है। जहाँ हम लोगों को अच्छे अस्पताल देने चाहिए, अच्छी एम्बुलेंस देनी चाहिए, वहाँ हम बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस की बात करते हैं, वहाँ हम बंकर्स की बात करते हैं, अच्छे स्कूल की जगह हमारे बच्चे आज कैंटीन में बैठे हैं, उनका वक्त जाया हो रहा है, उनका मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा ये है कि बंकर तो बनेंगे और जल्दी बनेंगे, मगर असल में बंकर बनाने की ये बात नहीं है। बात ये है कि कब तक जम्मू कश्मीर जो है हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बनेगा, कब तक हमारे फौजी बॉर्डर्स पे कुर्बानियां देंगे, कब तक हमारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे। और यही हालत वहां की होगा, उस बार भी ऐसे ही होगा, कोई वहां कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, वहां भी आम लोग मारे जाएंगे। इसलिए फर्क ये है कि वहां डायरेक्शन मिलती है, सिटी बचती है, लोगों को घर खाली करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जमहूरी निजाम है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, मगर सफर दोनों तरफ से लोग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, एक तो यहाँ सारे मेंबर्स ने अपना कंसर्न दिखाया बंकर्स को लेके, तो बंकर्स का तो सेंक्शन हुआ है, पर मैंने कोई उसमें स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उन बंकर्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, तो शायद उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। हम फिर उनसे होम मिनिस्ट्री के साथ ये मसला उठाएंगे, ये जल्दी बनना चाहिए, मगर उसके बावजूद मुझे बहुत रिजर्वेशन है इस बात से कि आज के वक्त में हम बंकर्स की बात कर रहे हैं, जबकि हमें और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे स्कूल की बात, और ये हमारी बदकिस्मती है, फंस गए हैं। बॉर्डर तो पूरा मुल्क का पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, मगर जम्मू कश्मीर ही इस आग के बीच में फंस गया है, हमारे लोग हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वजीर आजम ने हमारे बयान दिया है, पाकिस्तान उसका मुस्बत रद्द अमल करेगी, रिएक्शन देगा, कि जो उन्होंने कहा कि हमें मिलजुल के गुर्बत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, मुफलिसी के खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ ही लड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती